यूपी पॉलिटेक्निक मैथ क्लास में आज का चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुज का चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए और सॉल्व भी करिए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करिए। प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी का आधार 10 सेंटीमीटर है, एक रेखा एक्स वाई जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, आधार बीसी के समांतर खींची गई है, जो भुजा एबी व एसी को क्रमशः एक्स तथा वाई पर काटती है। यदि एसी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो ए वाई का मान होगा। आपको ए वाई का मान निकालना है। तो पहले तो आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम देना है ए बी सी। चलिए, ये एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम ए बी सी, ठीक है। तो बी और सी के समांतर, इसके समांतर एक रेखा खींची गई जो इस प्रकार है। देखिए, इसी के समांतर, बी सी के समांतर खींची गई एक रेखा। तो भुजा एबी व एसी को क्रमशः एक्स और वाई में, वाई पर काटती है। इसका नाम दे दीजिए एक्स और इसका नाम वाई। देखिए, इसका आधा ना एबी और एसी पर, बीसी का जो बीसी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और एक्स वाई का जो भी है कितना दिया है, यानी एसी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इस चित्र से देखिए, ए वाई बटे एसी, ए वाई बटे एसी बराबर एक्स वाई बटे बीसी बराबर ए वाई के बराबर जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई अपान बी सी फिर इंटू में ए सी। तो ए वाई इक्वल टू, ए वाई इक्वल टू एक्स वाई बटे बी सी। एक्स वाई कितना है 3 सेंटीमीटर और बटे बी सी कितना दे रहा है 10 सेंटीमीटर, और ए सी जो है कितना दे रहा है, देखिए यहां पर ए सी कितना दे रहा है 5 सेंटीमीटर। तो गुणे में आप कितना लिखेंगे 5, तो 5 एकम 5, 5 दुना 10। तो ए वाई इक्वल टू 3/2, ए वाई बराबर 2 एकम 2, 2 5 10, 1.5 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी 1.5 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण बराबर हैं और उनके क्षेत्रफलों में 9:16 का अनुपात है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। दो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष का जो उनका क्षेत्रफल है कितना दे रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात 9:16। तो क्षेत्रफल को ऐसे a1 यानी अनुपात a2 इक्वल टू 9:16 कितना 16। तो संगत भुजाएं, संगत भुजाएं A1 व A2, A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल A1 अपान A2। तो A1 अपान A2 इक्वल टू, तो जब स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा करड़ी, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा A1 अपान A2, A1 अपान A2 आ जाएगा।
A1 और A2 का मान कितना है? 9 और 16। A1 अपान A2 इक्वल टू अंडर रूट में 9 अपान 16। तो A1 अपान A2 इक्वल टू 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3 और 16 का वर्गमूल 4। तो A1 अपान A2 का 3/4। तो जब हम इसको रेशियो में लिखेंगे, A1 अनुपाते A2 इक्वल टू 3/4, यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो 3:4 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। अगला प्रश्न है, संलग्न चित्र में त्रिभुज ABO ये समरूप है, इस समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज DOC यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 2 सेंटीमीटर, OC बराबर 3.8 सेंटीमीटर और OD बराबर 3.2 सेंटीमीटर है, तब OA प्लस OB बराबर है। तो OA प्लस OB का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए त्रिभुज बना हुआ है, जो कि फिगर थोड़ा सा ही मिस्टेक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ये छोटा। तो क्या करना है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये क्या है? समरूप है, यानी एक दूसरे के आकार के हैं, दोनों का रूप क्या है? सेम है। ये कितना दे रहा है? 3 सेंटीमीटर और देखिए 2 सेंटीमीटर। बाकी जो भी आकार बने हुए हैं सब क्या है? सेम है। तो इसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। और ये देखिए OC कितना दे रहा है? 3.8, इधर कितना? 3.2 सेंटीमीटर। तो अब हम इस चित्र से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज है। चलिए यहां पर देखिए, त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज है। तो AB बटे DC बराबर AO बटे OD। AB बटे कितना? इधर देखिए DC, फिर AO बटे OD बराबर BO बटे OC। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए AB बटे DC बराबर AO बटे OD बराबर BO बटे OC। देखिए AB का मान कितना है? 3 और DC का मान कितना है? D और C का मान 2 है, 3/2 बराबर AO का मान नहीं पता है और DOD का मान O और D का मान कितना है? 3.2। तो अब हम किसका मान निकालते हैं? AO बराबर 3 × 3.2/2 बराबर कितना आ जाएगा? जब आप इसको हल करेंगे 4.8 सेंटीमीटर। अब इससे देखिए हम ज्ञात करते हैं AB बटे DC बराबर BO बटे कितना? OC। एक बार तो ये दोनों लेकर हल किए, ये और ये, अब इन इसको और इसको लेकर हल करते हैं, बराबर कितना? 3/2 बराबर कितना? BO बटे OC कितना दिया है? 3.8 दिया है। तो BO बराबर 3 × 3.8/2 बराबर 5.7 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है? OA प्लस OB, इसी का तो मान पूछा जा रहा है, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 4.8 प्लस 5.7 जोड़ने पर आ जाएगा 10.5
सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो गया। कितना आया? 10.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी एकदम करेक्ट है। तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से सारे प्रश्न समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।